नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के लिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 में हुए एग्जाम के 22 दिसंबर को सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। हम इसका फुल एनालिसिस आपके समक्ष करेंगे। यह देखेंगे कि आखिर पेपर को कैसे सॉल्व किया जाता है और कोशिश करेंगे कि यहाँ से हम आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर प्रोवाइड करा पाएं ताकि आपके आने वाले एग्जाम में जो 26-27 जून को एग्जाम होना है उसमें यह आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। क्या है देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, तो देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कठोर साधना के बाद बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है, आपसे प्रश्न में यही पूछ रहा है। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पे जो है वो आपका 13वां शिलालेख है। ठीक है, 13वां शिलालेख है जो कि उनके कलिंग विजय का उल्लेख करता है। प्रथम शिलालेख जो है वह उत्सव पर पशु प्रतिबंध की हत्या पे बात करता है। ठीक है, का उल्लेख है। चतुर्थ जो है, चतुर्थ में धम्म के प्रति अत्यधिक आस्था सम्मान व सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। ठीक है, और 10वें शिलालेख में राजा और अधिकारी को सदैव अपनी प्रजा के हित के रूप में सोचें, हित के लिए कार्य करें, हित के बारे में सोचें, ऐसा उल्लेख आपके 10वें शिलालेख में मिलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मित्रों आंसर है वो है SR राव। SR राव ने लोथल की खुदाई की थी। ठीक है, दयाराम साहनी ने आपके हड़प्पा की थी, हड़प्पा की थी। राखाल दास बनर्जी ने आपके मोहनजोदड़ो की थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की थी, और RS विष्ट ने आपके बनावली का किया था। ठीक है, बनावली का किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी, तो वह मित्रों 18 दिन तक लड़ी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कनिष्क प्रथम के शासन काल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था। ठीक है, पराशर, सुश्रुत, चरक या धन्वंतरी। तो आपका सही उत्तर है चरक। ठीक है, चरक रहते थे। जो ये आपके पराशर हैं, पराशर ये वशिष्ठ के पौत्र थे। ठीक है, ये वशिष्ठ के पौत्र थे और ये आपके मित्रों वेद व्यास जी के पिताजी थे। ठीक है, वेद व्यास जी के पिताजी थे। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी, उन्हीं वेद व्यास जी के पिता थे पराशर। सुश्रुत जो है, सुश्रुत इन्हें आपके भारत का चिकित्सा शास्त्री या शल्य चिकित्सक कहा जाता है। भारत में पहली बार प्रथम प्लास्टिक सर्जन, या जो भारत के पहले प्लास्टिक सर्जन या जो पहली प्लास्टिक सर्जरी की थी वो आपके सुश्रुत जी ने ही की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। तारीख ए फिरोजशाही के लेखक कौन है, तारीख ए फिरोजशाही के लेखक कौन है, तो तारीख ए फिरोजशाही के लेखक हैं आपके जियाउद्दीन बरनी। जियाउद्दीन बरनी मोहम्मद बिन तुगलक तथा फिरोजशाह तुगलक के समकालीन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं माना था, तो आपके काल मार्क्स ने। ठीक है, आपके काल मार्क्स ने इस विद्रोह को विद्रोह नहीं माना था। ठीक, 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। ठीक है, यह मेरठ से हुई थी। यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह था। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक आपके जो काल मार्क्स हैं, इन्होंने इस विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की थी, तो 23 मार्च 1940 को। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही है, 23 मार्च 1940 को
भारत से पाकिस्तान को अलग करने की बात या अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। ठीक है, इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो आपके सॉरी मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना आपके विपिन चंद्र पाल जी ने की थी। ठीक, विपिन चंद्र पाल जी ने की थी, जो आपके गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी की एक रचना थी, पत्रिका थी, इनका उसका नाम था प्रभा। ठीक है, रामानंद चटर्जी को भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। ठीक है मित्रों, इनकी जो रचनाओं में थी, पत्रिका में थी, पत्रिका थी सॉरी रचना नहीं पत्रिका, इनकी पत्रिका मुकुल थी, प्रदीप थी, जो कि कुछ बाद में इन्होंने कुछ समस्याओं की वजह से इस पत्रिका को छोड़ दिया था, प्रवासी थी। ठीक है, प्रवासी थी, विशाल भारत, विशाल भारत भी रामानंद चटर्जी जी की प्रसिद्ध पत्रिकाओं में से एक है। अरविंद घोष जी की आपकी थी न्यू इंडिया। ठीक है, न्यू इंडिया। चलिए नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे। ठीक है, तांतिया को अंग्रेजों ने 1859 में, 1859 में फांसी कहां पे दी थी? ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर है वह है आपका शिवपुरी। शिवपुरी आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, शिवपुरी आपके मध्य प्रदेश में है। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, पांडु रंग। चलिए नेक्स्ट, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? तो वह मित्रों है आपका ऑप्शन बी, 1/4 भाग है। ठीक है, 1/4 भाग है। और जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पूछेगा कि पृथ्वी का कितना है, तो 1/6 भाग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम सितारा कौन सा है? तो वो है आपका मित्रों ऑप्शन सी। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है आपका। ठीक है, इस सितारे के जीवन की संभावना व्यक्त की गई है, ऐसा माना जाता है कि यह सितारे में जीवन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? आपसे यही पूछ रहा है, तो रोहतांग दर्रा आपके भारत के हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पे आपका बड़ा लाचाला, ठीक है, और आपका सिपकीला दर्रा भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर में जो जिला और बुरजिला है, सिक्किम उत्तराखंड में आपके है लिपुलेख, नीति दर्रा, थांगला दर्रा, और सिक्किम में आपके नाथुला और जेलेपला है। ठीक है, नाथुला और जेलेपला है। ठीक, जेलेपला। चलिए नेक्स्ट, कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करता है? ठीक है, तो इसका जो मित्रों आपका सही उत्तर है वह है आपका 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री आपके अंडमान को निकोबार से अलग करता है। आपका 8 डिग्री चैनल जो है मित्रों, यह आपका मालदीव और मिनिकाय को अलग करता है, और जो 9 डिग्री चैनल है ये आपके मिनिकाय और लक्षद्वीप को अलग करता है। ठीक है, लक्षद्वीप को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। चलिए नेक्स्ट, पटाखा किस देश की मुद्रा है? आपसे पूछ रहा है कि पटाखा किस देश की मुद्रा है, तो मित्रों पटाखा आपके मकाऊ की है। कहाँ की है? मकाऊ की मुद्रा है। पनामा, पनामा कहाँ, पनामा की मुद्रा क्या कौनसी है? डॉलर है। ठीक है, डॉलर आपके पनामा की है। लाओस, लाओस की है आपकी न्यूपिलाओ। ठीक है, न्यूपिलाओ आपके लाओस की है। और मैक्सिको, मैक्सिको की मुद्रा का नाम है मैक्सिकन पीसो। ठीक है, मैक्सिकन पेसो, मैक्सिकन पेसो। चलिए नेक्स्ट, भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग है,
भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितना है? तो है मित्रों 17%, ठीक है। और विश्व का हर छठवां व्यक्ति भारतीय है। और अगर आप पूछेंगे कि भारत में विश्व की कुल भूमि कितनी है, ठीक है, इसी में आप एक पॉइंट और जान लीजिए, तो भूमि है आपका 2.42% लगभग में, ठीक है, लगभग 2.42% भूमि है पूरे विश्व का, और विश्व की कुल आबादी का भारत में 17% लगभग आबादी रहती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, वह कौन सा सर्वोच्च शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित नहीं है, ठीक, नहीं है आपसे पूछ रहा है, भारत में पूरी तरीके से स्थित नहीं है? कंचनजंगा, नंदा देवी, केडू केटू गाडविन आस्टिन और कॉमेट, ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है मित्रों। कंचनजंगा आपका सिक्किम में है, ठीक है, ये आपका सिक्किम में है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में है। कामेट भी आपका उत्तराखंड में है, ठीक। केटू गॉडविन आस्टिन आपका यही सही उत्तर होगा, ये आपके वर्तमान पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। चलिए, है तो भारत का ही, लेकिन जो अभी जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के अधिकार में है, उस पाकिस्तान में, उस जम्मू कश्मीर में केटू गाडविन आस्टीन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये आपके छठवें नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहा जाता है, ठीक है? तो इसको आपके मित्रों क्षमादान कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? क्षमादान। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव आपसे पूछ रहा है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव मित्रों अनुच्छेद 66 के तहत, 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अनुच्छेद 54 में आपके राष्ट्रपति का निर्वाचन है, ठीक है, और अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति होगा, इस बात की जिक्र किया गया है, ठीक है, और अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, ठीक है, मंत्री परिषद होगी, इस बात का जिक्र किया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है मित्रों, आपसे यही पूछ रहा है, तो भाग 2 आपका नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 मौलिक अधिकार से है, भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व है, भाग 5 में आपका संघ है, ठीक। नेक्स्ट, कौन से अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं, आपसे यही पूछ रहा है, तो आपका जो सही उत्तर होगा मित्रों वह होगा आपकी 5वीं अनुसूची, ठीक है, 5वीं अनुसूची में ऐसा कहा गया है। आपकी 4थी अनुसूची में राज्य, 28 राज्य और 2 संघराज्य क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी की का जिक्र किया गया है। साथ ही साथ आपके 8वीं अनुसूची में सभी भाषाएं, 22 भाषाओं का जिक्र है, जिसमें अंग्रेजी का उल्लेख नहीं किया गया है, अंग्रेजी को मिजोरम की राजभाषा के रूप में प्रस्तावित किया गया है, को चुना गया है, ठीक है। और 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची आपकी थी जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? तो यह मित्रों आपके नागौर जिले में पेश किया गया था, ठीक है, या आपके राजस्थान में है, ठीक, राजस्थान में है। और पहला ये जो आपका पंचायती राज पेश किया गया था, उसमें आपके भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, आपसे यही पूछ रहा है, तो इसमें जो गूगल है, गूगल आपका सर्च इंजन है, बाकी सब आपके वेब ब्राउजर हैं, ठीक, फायरफॉक्स, मोजिला, फायरसॉफ्ट, एज
और नेटस्केप नेविगेटर ये आपके वेब ब्राउजर हैं। निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो इसका आपका सही उत्तर होगा मित्रों रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर है, आपसे यही पूछ रहा है, यानी 1 GB बराबर कितने MB होगा? तो हमें पता है 1024। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब में सबसे अधिक प्रयोग उपयोग की जाने वाली जैसे कि फॉन्ट और फॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषता होती है, आपसे यही पूछ रहा है, तो वो होता है आपका होम टैब। कौन सा होता है? होम टैब। ठीक, चलिए नेक्स्ट। 1943 में जे डब्ल्यू मॉचली और जे प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? तो आपका जो सही उत्तर है मित्रों वो है ऑप्शन ए, इनियक। ठीक, चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो आपका जो मित्रों सही उत्तर है वो है आपका कानपुर। चलिए नेक्स्ट। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो है आपका पाई डांडा। ठीक, पाई डांडा जो है ये आपका सही उत्तर है। सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऐसी कढ़ाई को क्या कहा जाता है? तो जो आपका सही उत्तर है इसमें मित्रों वह है आपका, इसे कहते हैं चिकनकारी। ठीक, इसे कहते हैं चिकनकारी। ठीक है, चिकनकारी कपड़ों के लिए उत्तर प्रदेश की अपनी राजधानी लखनऊ प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। दिए गए विकल्पों में से गलत जिला या मुख्यालय की जोड़ी का चयन करना है हमको मित्रों। अमेठी गौरीगंज सही है, सोनभद्र रावर्ट्सगंज सही है, इसका मुख्यालय रावर्ट्सगंज में, कुशीनगर का पड़रौना में है, ये भी सही है, कौशाम्बी, कौशाम्बी का आपका मंझनपुर है। ठीक है, मंझनपुर में है। चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? तो इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा तीनों करती है, आपकी अलीगढ़ नहीं करती है। ठीक, आपका अलीगढ़ नहीं करता है। ठीक, मध्य प्रदेश की सीमा के साथ उत्तर प्रदेश के मित्रों कुल 11 जिले आपके सीमा साझा करते हैं, जिसमें आपका आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नीति आयोग के द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को महत्वाकांक्षी के रूप में अब पहचाना गया है? ठीक है, तो उस समय आपका एक करंट का मित्रों प्रश्न था, तो उस समय आपका जो सही आंसर था इसका 8 था। ठीक, चलिए नेक्स्ट। जनवरी 2018 गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में आयोजित 22वें राष्ट्रपति युवा समारोह का विषय क्या था? तो उस समय का आपका सही उत्तर था संकल्प से सिद्ध। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है आपका संकल्प से सिद्ध। नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, आपसे यही पूछ रहा है कि यह किससे संबंधित है? तो ये मित्रों आपका जापानी एंसेफलाइटिस का उन्मूलन से संबंधित है। ये आपका जनवरी 2018 में सॉरी फरवरी 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैले हुए जापानी इंसेफलाइटिस अथवा दिमागी बुखार भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, इसे दिमागी बुखार भी कहते हैं मित्रों। दिमागी बुखार की रोकथाम और उपचार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दस्तक अभियान की शुरुआत किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों के से
उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे स्थित हैं। ठीक है, आपसे यही पूछ रहा है। तो गंगा, गंगा आपकी विठूर, गंगा है आपकी विठूर। ठीक है, विठूर आपके गंगा नदी के किनारे स्थित है। मित्रों, गोरखपुर, गोरखपुर आपका राप्ती नदी के किनारे पे स्थित है। जौनपुर आपका, जौनपुर मित्रों आपका गोमती नगर पर है। और जो साई है, साई नदी पर आपका प्रतापगढ़ है। ठीक है, तो आप देखिए इस तरीके से आपका जो ऑप्शन बी है वो एकदम सही उत्तर है। ठीक, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट। जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहां से कहां तक फैली हुई है? आपसे यही प्रश्न पूछा है। तो जो आपका उत्तर है मित्रों वो है यूपी गेट से गाजियाबाद में रामनगर। ठीक, चलिए नेक्स्ट। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? तो मित्रों आपके भारत सरकार के पास है। ठीक है, भारत सरकार के पास है सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो देखिए मित्रों, जो पहला है वो है आपका उत्तर प्रदेश, जो पहला राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, जिसकी 829 प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर इसका घनत्व है आबादी का उत्तर प्रदेश में। यह पूरे भारत की, उत्तर प्रदेश में पूरे भारत के 16.51% आबादी निवास करती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है आपका मित्रों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 9.28% आबादी, पूरे भारत की 9.28% आबादी महाराष्ट्र में निवास करती है। ठीक है मित्रों, पश्चिम बंगाल में 7.54% आबादी आपकी निवास करती है। मध्य प्रदेश में मित्रों 6% आबादी निवास करती है। और बिहार में मित्रों 8.6% पूरे भारत की आबादी का, 8.6% बिहार में आपकी आबादी निवास करती है। तो इससे जो आपका यहाँ पे प्रश्न था कि भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, तो वह मित्रों आपका बिहार है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? आपसे यही प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, आपसे यही प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है मित्रों वह है आपका बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। ठीक है, जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। चलिए नेक्स्ट। 16 से 17 जुलाई 2018 को मस्कट में आयोजित भारत ओमान संयुक्त व्यापार परिषद के 8वें सत्र का नेतृत्व किसने किया था? यह उस समय का आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न था मित्रों, और वो आपका जो सही उत्तर है उस समय किया था आपके सुरेश प्रभु जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उस योजना का क्या नाम है जिसका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब प्रदान करना है, जिसमें मार्च 2019 तक 770 मिलियन उद्दीप्त बल्ब इनकैंडिसेंट बल्ब को एलईडी बल्बों के साथ बदलना है? ठीक, आपसे यही पूछ रहा है मित्रों। तो उस योजना का नाम था आपके उजाला योजना। ठीक, क्या नाम था उसका? उजाला योजना। चलिए नेक्स्ट। महिला एकल विंबलडन विंबल विंबलडन टेनिस खिताब 2018 किसने जीता था? आपसे यही पूछ रहा है। तो इसका आपका जो सही उत्तर है मित्रों वो है आपका एंजेलिक कर्वर। चलिए नेक्स्ट। जुलाई 2018 में बैंकॉक में आयोजित थाईलैंड ओपन वर्ल्ड टूर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल किसने जीता था? तो उस समय आपके जीता था नोजोमी ओकुहारा ने। ठीक, फ्रांस की रूस में 2018 फीफा जीत के बाद खिलाड़ी और प्रबंधक के रूप में विश्व कप जीतने वाला व्यक्ति बन गया था, तीसरा कौन था वह व्यक्ति? आपसे यही पूछ रहा है।
जीतने वाला तीसरा व्यक्ति कौन बन गया था? तो वह था आपका डिडियर देशचाम्पस। ठीक, चलिए नेक्स्ट। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, तो मित्रों इसमें आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। APEDA का विस्तृत रूप क्या है? ठीक है, APEDA का विस्तृत रूप क्या है? तो मित्रों इसका सही जो आंसर है वह है आपका एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किसको स्थापित किया गया था? ठीक है, तो इसमें जो मित्रों नेफेड को, किसको किया गया था? नेफेड की स्थापना की गई थी। यहाँ पे जो नेफेड है, नेफेड का जो विस्तारित रूप है, नेफेड का फुल फॉर्म क्या है तो वो हम जान लेते हैं। तो वो है आपका राष्ट्रीय कृषि सहकारी, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन विपणन संघ। चलिए नेक्स्ट। कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका है जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है, आपसे इसका पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा तरीका है? ठीक है, कौन सा तरीका है हमसे यही पूछ रहा है। तो मित्रों इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग इसका सही उत्तर है। ठीक है, लंबोत खेती जो है मित्रों वर्टिकल फार्मिंग ये ग्रीन हाउस का एक तरीका है, कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका है जहां पे, सॉरी मित्रों थोड़ा सा यहाँ पे हमने आपको गलत बता दिया, ये इसका जो आपका सही उत्तर है वो होगा लंबवत खेती। ठीक है, वर्टिकल फार्मिंग, क्योंकि वर्टिकल फार्मिंग जो है यह आपका कृषि के ग्रीन हाउस का एक ऐसा तरीका है जहां पर उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स, ठीक है, का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार फसलों की खेती की जाती है। ठीक है, देखिए वैसे भी वर्टिकल फार्मिंग सीधा सीधा है कि जब हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बहुमंजिले बनेंगी तो वो वर्टिकल ही होती हैं, सीधी सीधी होती हैं। तो उसमें पूछ रहा है आपसे, वहां पे आपसे पूछ रहा है कि वहां पे हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का प्रयोग कर किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे मित्रों लंबवत खेती बोलते हैं, वर्टिकल फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही, बाकी हम फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जो मित्र हमारे वीडियो हमारे चैनल पे अभी पहली बार विजिट किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही साथ जो मित्र पहले से हमारे वीडियो को सब्सक्राइब किए हुए हैं वो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें अपना सपोर्ट दें, अपना प्यार दें। थैंक यू।